नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी। मित्रों, हम अपने तमाम वीडियोस में आपको ज्योतिष के माध्यम से सही सलाह देने का प्रयास करते हैं और अपने इस वीडियो में हम लाए हैं आपके इस सप्ताह का राशिफल। इस सप्ताह यानी 8 जुलाई 2013 से लेकर के 14 जुलाई 2013 तक का राशिफल, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। इसे जानकर आप अनुकूल समय का लाभ उठा पाएंगे और जो समय आपके लिए प्रतिकूल है उस समय सावधानी से काम लेकर आप परेशानियों से बच पाएंगे। तो आइए बात करते हैं इस सप्ताह के राशिफल की और सबसे पहले बारी है मेष राशि की। इस सप्ताह के अधिकांश दिन आपके लिए अनुकूल परिणाम लिए हुए रह सकते हैं। तीसरे भाव पर मंगल के प्रभाव के कारण आपका आत्मविश्वास पहले से बेहतर रहेगा। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इस समय आपके प्रयासों में आपको विजय मिलेगी, सफलता मिलेगी। वहीं सप्ताह के मध्य भाग में आप घर गृहस्थी को लेकर चिंतित रह सकते हैं, जबकि सप्ताहांत में आप अपने स्वजनों के लिए समय निकाल पाएंगे और आपको समस्याओं से भी निजात मिलेगी। अब बात वृष राशि की। यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा, लेकिन इस समय आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। साथ ही सप्ताह के शुरुआती दिनों में कोई ऐसा काम करने से आपको बचना होगा जिससे आपके सम्मान को ठेस लगे। साथ ही संयमित रूप से खर्चे करने भी जरूरी होंगे। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए अनुकूल रहेगा। विवादों में विजय मिलेगी। लोगों के द्वारा आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। सप्ताह के अंत में यात्राओं से बचना जरूरी होगा, क्योंकि ये यात्राएं अधिक फायदा देने वाली नहीं रहेंगी। इस समय मन को चिंता देने वाले कुछ खबरें भी मिल सकती हैं, लेकिन आर्थिक मामलों के लिए सप्ताहांत अनुकूल परिणाम देने वाला कहा जाएगा। अब बात मिथुन राशि की। सप्ताह के शुरुआत में आपको अधिकांश कामों में सफलता मिलेगी। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। स्वादिष्ट और मनोनुकूल भोजन खाने का अवसर मिलेगा। सप्ताह के मध्य भाग में आपको आर्थिक मामलों में थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, फिर भी कामों में सफलता मिलती रहेगी। लोग आपके कामों की प्रशंसा करते रहेंगे, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यदि संभव हो तो यात्राओं से बचें। प्रथम भाव में मंगल के कारण आपका जो क्रोध है वो इस सप्ताह कुछ बढ़ा रह सकता है। कोशिश करें कि क्रोध पर संयम रखें और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। अब बात कर्क राशि की। यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। नींद में कुछ व्यवधान रह सकता है। साथ ही सप्ताह के शुरुआत में कुछ खर्चे भी आपके सामने आ सकते हैं अथवा आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। वहीं सप्ताह के मध्य में आपको कुछ ऐसे समाचार सुनने को मिलेंगे जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे, लेकिन इस समय भी आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की सलाह मैं देना चाहूँगा। ऐसा ना करने की स्थिति में कुछ विवादास्पद स्थितियाँ सामने आ सकती हैं और सप्ताह के अंत की बात करें तो उस समय आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, आपके काम बनते जाएंगे। और अब बात सिंह राशि की। सप्ताह के शुरुआत में आप भावनाओं से ओतप्रोत रहेंगे, लेकिन भावावेश में आकर कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होता। आप भी इससे बचने का प्रयास करें। सप्ताह के मध्य भाग में कुछ खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। यथासंभव उस समय बचत का प्रयास करें, यही आपके लिए उचित रहेगा। यदि घर का कोई वरिष्ठ सदस्य किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाह रहा है तो आप उसकी मदद जरूर करें। सप्ताह के अंत में भी संयम से काम लेने की आवश्यकता है। इस पूरे सप्ताह संतान व प्रेम प्रसंगों को लेकर सावधानी से काम करना उचित रहेगा। और अब बात कन्या राशि की। सप्ताह के शुरुआत के जो दिन हैं वो आपके लिए अनुकूलता लिए हुए हैं। मंगल ग्रह अब आपके दशम भाव में पहुंच चुका है, अतः आपके लिए कुछ काम जो है जो रुके हुए थे वो जरूर पूरे होंगे। कुछ घरेलू मामलों को लेकर भी आपको चिंतन करना पड़ेगा। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल रहेगा, फिर भी भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा। सप्ताह के अंत में धैर्यपूर्वक काम करने की सलाह मैं आपको देना चाहूँगा। और अब बात तुला राशि की। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शुभ कही जाएगी। आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं अथवा आप किसी फायदेमंद सौदे में लग सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक मामलों के लिए भी समय अनुकूल कहा जाएगा। सप्ताह का मध्य भाग व्यवसायियों के लिए विशेष अनुकूल है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अनुकूल है, लेकिन सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो खर्चों से भरा रह सकता है। हालांकि कुछ खर्चे आप मौज या मस्ती में भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस सप्ताह को कहा जाए तो यह सप्ताह
पिछले सप्ताह की अपेक्षा आपके लिए ज्यादा अनुकूल कहा जाएगा। और अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में आ चुका है, अतः पूरे सप्ताह स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। वाहन भी सावधानी से चलाएं तो अच्छा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कुछ परेशानियां आपसे रूबरू हो सकती हैं। यह समय किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने के लिए नहीं है। आर्थिक मामलों के लिए भी जल्दबाजी उचित नहीं होगी। सप्ताह का जो मध्य भाग है वो आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। आप किसी दूर की यात्रा पर जा सकते हैं। और सप्ताह के अंतिम भाग की बात करें तो वो आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप अपने कामों में सफलता अर्जित करेंगे और साथ ही साथ लोग आपके कामों की प्रशंसा भी करेंगे। और अब बात धनु राशि की। यह सप्ताह आपको मिले जुले फल देने वाला रहेगा, फिर भी साझेदारी और दाम्पत्य जीवन को लेकर सजग रहना जरूरी होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपका मन विपरीत लिंगी के प्रति आकृष्ट रह सकता है, लेकिन सप्ताह के मध्य भाग में लगभग सभी मामलों में सावधानी से काम लेना ठीक रहेगा। इस समय आपके मन में चिंता रह सकती है, वहीं सप्ताह के जो अंतिम दिन हैं वो आपके लिए अनुकूल परिणाम लिए हुए हैं। आप किसी फायदा देने वाली यात्रा पर जा सकते हैं। विद्यार्थियों या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय बहुत अनुकूल कहा जाएगा। और अब बात दसवीं राशि यानी कि मकर राशि की। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, आपकी योजनाएं सफल होंगी और दाम्पत्य जीवन तथा प्रेम प्रसंगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। वहीं सप्ताह के मध्य भाग में प्रत्येक काम को बड़ी सावधानी और समझदारी से करना ठीक रहेगा। कहीं से धोखा या हानि मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। सप्ताह के अंत में यात्राएं होंगी, काम बनेंगे और आप आर्थिक कामों में संलग्न होंगे। अब बात ग्यारहवीं राशि यानी कि कुंभ राशि की। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं कही जाएगी। मन में कुछ चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक लाभ मिलने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल हो रही हैं। वहीं सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए अनुकूल रहेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, कामों में सफलता मिलेगी, प्रेम प्रसंगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों में कुछ अपमानजनक या विवादास्पद घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। संतान और प्रेम पात्र से विवाद करने से इस समय आपको बचना होगा। और बात अंतिम राशि बारहवीं राशि यानी कि मीन राशि की। मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में है, अतः अब आपको घरेलू मामले में बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आप दूसरे की मदद करना चाहेंगे। प्रेम प्रसंगों के संदर्भ में अनुकूल परिणाम मिलने की आशा आप कर सकते हैं। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, कामों में सफलता मिलेगी। वहीं सप्ताह के जो अंतिम दिन है वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगे। भागीदारी से लाभ मिलेगा, लेकिन किसी और की सलाह पर अमल करने से पहले आपको चाहिए कि स्वयं मंथन करें और यह सुनिश्चित करें कि यह काम आपके लिए उचित रहेगा अथवा नहीं। आशा है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अच्छे और बुरे समय को जानकर पहचान कर उस समय उचित व्यवहार करेंगे और अपने सप्ताह को शुभ मनाएंगे। नमस्कार। For more such programs, please visit astrosage.com.